आज का हमारा जो टॉपिक है, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, आईटीआई परीक्षा से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार कंप्यूटर पे परीक्षा दे रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि परीक्षा अभी तक नहीं दिए होंगे कंप्यूटर में, और कभी दिए होंगे तो इस प्रकार का नहीं दिए होंगे। बहुत सारे विचार हैं आप सभी के, कमेंट में भी आए थे बहुत सारे, तो इन सारे क्वेश्चन को मैंने कमेंट से ही निकाला है, तो आप सभी के इन सारे कमेंटों के जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले हम आप सभी के कमेंट के जो भी सवाल है उसके बारे में बताता हूँ, और आप सभी को अच्छा प्लेटफॉर्म बताऊंगा, और क्या क्या गलती कर देते हैं आप सभी लोग अक्सर जो कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं पूरी तैयारी करने के बाद भी, तो इस सारी वीडियो पे हमें टॉपिक पे बात करूंगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो और ये जो एग्जाम जाए बहुत ही बेस्ट जाए। हम आप सभी को बताते हैं साथियों कि इस बार का एग्जाम जो है बहुत ही एकदम सा हलवा जैसे होने वाला है, बस आप लोग देखते जाइए कैसे किस प्रकार से आप सभी को हल करना है। तो क्या है सारे सवाल, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सारे जितने भी छात्र हैं सबके कमेंट जो है मैंने पढ़ के यहाँ पे लिख दिया है। क्या है पहला जो है, क्या माइनस मार्किंग होगा इस पेपर में, माइनस मार्किंग होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन को बहुत सारे छात्रों ने पूछा। और दूसरा क्वेश्चन, पेपर सेम होगा या अलग अलग, जैसे कहीं ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर की परीक्षा एक ही दिन हो रही, तो चलो एक ही पेपर होगा, हम नकल कर लें, अरे भाई बगल वाले से इशारा में बात कर लें, अरे यार पहले का, तो बोलेगा पहले का दो मतलब दूसरा सही, तो मतलब इस प्रकार से ये नहीं होगा साथियों। कैसे क्या है सारी बातें जानेंगे। अगला है, कंप्यूटर से ड्राइंग बनानी पड़ेगी। बहुत सारे छात्रों के कमेंट आया, सर ड्राइंग हमें क्या कंप्यूटर में बनानी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन है, किसी एक सब्जेक्ट में पास होना है या अलग अलग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बहुत सारे छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं, सर हमें अलग अलग पास होना पड़ेगा या हम किसी एक सब्जेक्ट में पास हो गए तो पास हो जाना पड़ेगा। और जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा कौन सी होगी, जैसे सर इंग्लिश होगी या हिंदी होगी या गुजराती होगी तमिल होगी, कौन सी लैंग्वेज में हमें पेपर देना है, जो पेपर हमारा आएगा कौन से लैंग्वेज में आएगा, तो इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन आ रहा है कि पासिंग मार्क कितना है, मतलब जो है हमें पासिंग मार्क पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए, इस क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। और अगला, पेपर में क्या ले जाना है, पेपर देने आप जाएंगे कंप्यूटर की परीक्षा देने जा रहे हैं, हाई स्कूल का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि आप सब कुछ उठा के लेके चले गए, तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या ले जाना है। उसके बाद पेपर जो है कितना होगा, कितना पेपर होगा, एक पेपर होंगे दो पेपर होंगे आप सभी के कंप्यूटर में, इन सारे सवालों के जवाब। इसके बाद ये थोड़े हैं साथियों, इसके बारे में बताऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप जान जाओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। तो चलिए एक एक करके हम आपके सारे क्वेश्चन के डाउट को समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले साथियों, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं आप सभी के आईटीआई एग्जाम से संबंधित, मैंने उसको क्या किया प्लेलिस्ट में बना के रख दिया है, आप उसी को जाकर रट लीजिए, आप पास हो जाएंगे। ऐसे आपने नहीं देखा होगा साथियों, आईटीआई ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने उसने बोल रखा है कि आप 400-500 क्वेश्चन ये हैं, आप इस पीडीएफ को तैयार कर लो, इसी पीडीएफ से आना है, तो आप सबके लिए इतना ज़्यादा मतलब सरल कर दिया है पेपर को कि क्या बताएं। इतना आप सभी को बोल दिया गया है कि आप यही 500 क्वेश्चन हल कर लीजिए, पास हो जाओगे। इतना हाई स्कूल में नहीं होता, बच्चे पूरी बुक रट ले जाएं, लेकिन आप लोगों के लिए है कि आप सभी लोग जो है इतने क्वेश्चन को हल कर लो, आप पास हो जाओगे। तो पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दिए, अगर और भी इन क्वेश्चन के अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना, या आप हमें टेलीग्राम में भेज देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आप सभी के एक एक प्रश्नों के बारे में, क्या क्या आपके सारे क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या माइनस मार्किंग होगा। तो साथियों, इन सारे सवालों के जवाब में सबसे पहला जो सवाल है, क्या पेपर इस बार जो होगा माइनस मार्किंग होगा, तो इस बात से आप लोग जो है साथियों मत परेशान हुई, क्योंकि पेपर जो है इस बार माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप लगा के आइए, क्योंकि इस बार पेपर जो है माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको माइनस मार्किंग के नंबर नहीं कटेंगे। सबसे बड़ा सवाल का ये जवाब है साथियों, जो कि सबसे ज़्यादा छात्रों ने कमेंट में पूछा था, तो माइनस मार्किंग नहीं है, ये आप लोग गांठ बांध के चलिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पेपर सेम होगा या अलग अलग। साथियों, जितने भी क्वेश्चन होंगे उस दिन उस डेट के जो भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन तो एक रहेंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा, बुकलेट बनेगी ABCD, ऐसे आपके चार बुकलेट होंगे,
तो किसी में आपका पहला क्वेश्चन किसी में ये है, बी वाले सीरीज में वो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, सी वाले में वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, डी वाले में 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे, लेकिन इस प्रकार से बनेंगे कि ए सीरीज वाले में पहला है तो बी वाले में 25 नंबर का है, सी वाले में 10 नंबर का है, डी वाले में 15 नंबर का है। इसीलिए कि जो आप सभी लोग जो बच्चे थे पहले क्या करते थे कि सांकेतिक भाषा में पूछ लेते थे यार पहले का कितना है, तो सांकेतिक में बता देते थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि अरे यार सारे पेपर एक जैसे होंगे तो आप बगल वाले से पूछ ले, आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं। पेपर सेम या अलग होगा पेपर साथियों, आपका मॉडल जो है बुकलेट सीरीज अलग अलग बनेगी, हालांकि क्वेश्चन आपके सारे जो हैं सेम रहेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कंप्यूटर से ड्राइंग बनानी पड़ेगी? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें डर है कि पिछले बार हमें क्या है आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, उसके बाद फ्री हैंड स्केच, ये सब बनाने पड़ते थे। तो इस बार जो है कंप्यूटर में हो गया, तो बच्चे डर रहे हैं कि कंप्यूटर में कैसे बनाएंगे, डर मैंने कभी चलाया नहीं। तो पहली बात तो हम आपको ये बता दें, जो छात्र कंप्यूटर चलाना नहीं जानते वो सिर्फ बेसिक थोड़ा सा माउस को चलाना सीख जाए, बाकी आपको वहाँ पे रहेंगे आपके सहायता के लिए, उन्हें भी पता है कि आप जो है कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि जैसे पहले का गोला रहेगा कि ये वाला सही है, तो आपको माउस से ले जाना है वहाँ एरे को और क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट हो जाएगा, उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। उसके बाद साथियों एक क्वेश्चन और आप सभी का है, जैसे आप सभी को ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये नहीं कि आपको एक साइड से करते जाना, ऐसा कुछ नहीं है। बाउंडेशन आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले क्वेश्चन को हल करिए, उसके बाद चौथा आ रहा है आप इस पे चौथे पे क्लिक करिए, आप चौथा वाला हल करिए, तीसरा आ रहा है तीसरा करिए, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हल करिए। और दूसरी बात, अगर आप गलत भी भर देते हैं, जैसे पहली बार आपने चौथा का बी सही था, आपने सी मार दिया, बाद में आपको पता अरे यार ये तो गलती हो गई मुझे सी मारना था, तो फिर आपको क्या करना है उस वाले क्वेश्चन पे क्लिक करना है, क्वेश्चन नंबर पे, उसके बाद वहाँ पे जाना है, आपको जिस पर सही है आपको जो लगता है ये सही है, फिर आपको उस वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बगल वाले से आपका जो है सही का निशान हट जाएगा। आप कब तक करेक्शन कर सकते हैं? लास्ट तक आप करेक्शन कर सकते हैं, जब आप पूरा क्वेश्चन समाप्त होने के बाद फाइनल सबमिट मारेंगे उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट मारने से पहले आप 2500-2500 बार करेक्शन कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से न डरिए। और माइनस मार्किंग नहीं है तो आपके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद साथियों और जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं, आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है मैंने आप सभी के तैयारी के लिए सारे वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग बनानी पड़ेगी? जी नहीं, तो ड्राइंग आप सभी को नहीं बनानी है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, केवल आपको टिक मार के आगे अगला क्वेश्चन करना है। और इस बार साथियों सबसे खुशी की बात यह है कि ड्राइंग में बहुत ही कम क्वेश्चन बनाए गए हैं निमी के द्वारा, जिसकी वीडियो मैंने बना दी है, और उस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप इनमें से कहीं भी गलती करते हैं तो साथियों फिर आपका लक होगा या पास होंगे। और अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि किसी एक सब्जेक्ट में पास होना या अलग अलग, तो साथियों इसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपको एक सब्जेक्ट में पास होना है या अलग अलग, क्योंकि सब्जेक्ट में सब में अलग अलग हैं, तो आपको सब में अलग अलग पास होना है, और सब में भी सारे सब्जेक्टों में पास होना है। अगर किसी में बैक लग गई तो आपको सारे सब्जेक्ट, अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई तो क्या सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे? जी ऐसा नहीं है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको अगली बार जो है पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा कौन सी रहेगी? बहुत सारे छात्र इस पे कमेंट कर रहे हैं कि सर लैंग्वेज कौन सी रहेगी, तो एक तो लैंग्वेज जो रहेगी साथियों आपकी, वो लैंग्वेज आपकी एक इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश जो है ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप सभी के सारे कोई सा भी लैंग्वेज में आप पेपर देंगे, एक इंग्लिश में रहेगी। अगर आप हिंदी दूसरा चयन किए तो आपकी हिंदी में होगी, एक हिंदी एक इंग्लिश होगी, एक इंग्लिश एक गुजराती होगी, मतलब इस प्रकार से होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है रहेगी, अगली लैंग्वेज आपकी जो है आपने जो आपका बोर्ड ने आपके आईटीआई ने जो डाला है वो रहेगी। तो आप इसका जो है पता कर सकते हैं अपने आईटीआई में कि आपने इंग्लिश के साथ और कौन से लैंग्वेज पेपर दे रहे हैं, और हालांकि कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर भी ऑप्शन आता है आप पेपर किसी में देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी मतलब आप दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोनों में आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे और आपके दूसरे लैंग्वेज में भी
आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पासिंग मार्क कितना है, तो पासिंग मार्क कितना है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप इसे समझ जाएंगे अच्छे से कि पासिंग मार्क कितना है। पेपर में क्या क्या ले जाना है, पेपर में साथियों आपको बहुत सारे टटेम्बर नहीं ले जाने हैं, आपको क्या ले जाना है, एक पेन ले जाना है, पेन ऐसी हो जो पारदर्शी हो, आर पार दिख सके, हालांकि आपको वहाँ पे पेन जो है दिया जाएगा, और वहाँ पे आप सभी को क्या है कि एक इस प्रकार का जो है पेपर दिया जाएगा साथियों, हालांकि उसमें कुछ नहीं रहेगा, एकदम पूरा वाइट पेपर रहेगा, उसमें आपको दिया जाएगा वहाँ पे हल करने के लिए, मैथ के सवाल ऐसे इस प्रकार से हल करने के लिए दिया जाएगा, बाद में वो पेपर भी ले लेंगे और आपसे पेन भी ले लेंगे। उसके बाद और आपको क्या ले जाना है, पेन ले गए आप, और साथ ही साथ आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, COVID-19 का समय चल रहा है, हालांकि कम हो गया लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी के लिए जो है मास्क ले जाना जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, आपको टू कॉपी करा के नहीं ले जाना है, जेरोक्स कॉपी, आप ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाएंगे, आप अपनी एक फोटो कम से कम एक तो फोटो ले जाएंगे, और आपको अपना हॉल टिकट अर्थात एडमिट कार्ड लेके जाना है, बस आपको इतनी चीज़ें ले जानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है। अगर हाँ, अगर आपको कहीं का पानी अच्छा नहीं लगता तो आप वहाँ पे पानी की बोतल ले जा सकते हैं, ऐसी बोतल हो जो कि पारदर्शी हो, आर पार दिखे, ऐसा ना हो कि वो दूसरे कलर का बोतल है उसके अंदर दिख नहीं रहा है, तो आप वैसी बोतल नहीं ले जा सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप सभी का पेपर कितने होंगे, तो साथियों आपका एक पेपर होगा प्रैक्टिकल का, आपने उसे दे दिया होगा, आई उम्मीद सारे छात्र दे दिए होंगे। अब दूसरा पेपर जो है आप सभी का एक ही पेपर होगा, वो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट है, जो तीन होंगे या चार होंगे, जो चारों सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्टों का एक में ही पेपर लिया जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पता होना चाहिए, तो साथियों WCS वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें क्या है आपको 6 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ से, 6 क्वेश्चन मैथ से आएंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। साथियों आपको पास होने के लिए मात्र 2 क्वेश्चन सही करने हैं, अगर आपको मैथ में पास होना है तो 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सही करने हैं, अर्थात 12 नंबर में से आपको 4 नंबर जो है निकालना है। उसके बाद ES में बात करें, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इस बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन गई CS, हालांकि पहले इतना रोल नहीं था ES का, लेकिन इस बार इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस बार 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 नंबर की आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और आपको पास होने के लिए जो है कितने 17 नंबर लाने हैं, अगर आपको 25 में पास होना है तो साथियों आपको 17 नंबर जो है लाने हैं पास होने के लिए, तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन मान के चलिए आपको इन 25 में से 9 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो अगर आप तुक्का भी मारेंगे, एक दो तैयार भी कर लेंगे, PDF आप पढ़ लेंगे, तो इसमें से लगभग आपके सारे मिल जाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, PDF में भी वही क्वेश्चन आते हैं, हर बार जो क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं, रिपीटिव है। उसके बाद अगला है साथियों ED में क्या है, ED में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें यहाँ पे मैंने जो 17 लिखा है साथियों, ये आप यहाँ पे 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, आपको 9 क्वेश्चन जो है हल करने हैं 25 क्वेश्चन में। उसके बाद अगला है ED की जहाँ तक बात की जाए, तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर के होंगे, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं, जो कि आई होप आप दे ले जाएंगे, थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो 6 में से 2 आप आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट आया वो आया आपका थियोरी का, थियोरी में आपके क्या है साथियों 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 नंबर के होंगे, 38 क्वेश्चन में आपको पासिंग मार्किंग कितना निकालना है, 26 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, 26 क्वेश्चन चाहिए, तो आपको कितना इसमें हल करना है, इसमें आपको हल करना है यहाँ पे आपको हल करना है 14 क्वेश्चन लगभग, तो लगभग आपको 14 क्वेश्चन हल करना है, और टोटल आपको अगर पासिंग के लिए समझा जाए तो 9, 2, 11, 2, 13, 14, 13, 27 आप मान के चलिए टोटल आपको 27 क्वेश्चन हल करना है, जो कि आपको पास होने के लिए इतना मिनिमम चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके चाहिए व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस में, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 9 क्वेश्चन चाहिए, ED में आपके 2 क्वेश्चन चाहिए, थियरी में आपके 14 क्वेश्चन चाहिए, टोटल मिला के आपका 33% पासिंग मार्किंग है, तो टोटल जो सवाल होगा आपका CBT एग्जाम का 150 क्वेश्चन का होगा साथियों, आपको पास होने के लिए मात्र 51 नंबर चाहिए, 150 नंबर में आपको 51 नंबर चाहिए, और 75 क्वेश्चन हल करने हैं, 75 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए 14, 10, 24, 28, 29 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, 27, 28 क्वेश्चन आपको हल करने हैं,
कितने में थे, 75 क्वेश्चन में थे। तो आई होप आप आसानी से पास कर जाएंगे। और भी अगर कोई सा सवाल आपके मन में हो कोई सा भी, तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोग तैयारी करिए और अच्छे नंबर से पास हुई साथियों। थैंक यू।